इंडिया टीवी। इस समय है मीरा रोड तुलसी तलाव के पास में, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आसपास में संत निरंकारी सत्संग के लोग हैं। संत निरंकारी का एक मिशन है कि जहाँ गंदगी है ऐसे जगहों को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जल है तो जीवन है, तो पानी को हमें स्वच्छ रखना है, अपने आसपास के परिसर को भी स्वच्छ रखना है। इसलिए संत निरंकारी का एक मिशन है स्वच्छता अभियान। ये सब दहिसर के रहने वाले हैं, लेकिन आज यहाँ मीरा रोड में आए, यानी कि ये लोग ऐसे कई जगहों पे जाएंगे जहाँ पे गंदगी है उसे साफ सफाई करेंगे। मैं अपने आपको बता दूँ कि स्थानीय एक समाज सेवक नवीन सिंह भी इनके साथ में जुड़ गए हैं। इसके पहले नवीन सिंह ने भी ये कदम उठाया था इस तालाब को साफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कचरा हुआ करता था। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से स्थानीय समाज सेवक नवीन सिंह ने पहले कदम उठाया था और आज भी इन लोगों के साथ में उन्होंने इस साफ सफाई अभियान में साथ में जुड़ गए। चलिए बात करते हैं। तालाब की साफ सफाई किया था और आज यहाँ पे संत निरंकारी के लोग आए हैं, आप भी इनके साथ में साफ सफाई अभियान में जुड़ गए हैं। नमस्कार। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया अभियान स्वच्छ भारत अभियान चलाए, उसी कड़ी के अंतर्गत संत निरंकार सत्संग के द्वारा यहाँ पर हजारों के संत लोगों के साथ ये सफाई किया गया है। कहीं न कहीं ये स्थानिक नगर सेवक को चाहिए था कि तालाब को स्वच्छ रखें, जगह को स्वच्छ रखें, बीएमसी को चाहिए। मैं बार बार ऐसा कंप्लेन भी देता रहा हूँ, पानी का देखिए पानी काला हो जाता है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन संत निरंकार सत्संग के द्वारा आप ये देख सकते हो कि सुबह 6 बजे से अभी तक हजारों की संख्या में इन लोग सेवा संत कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम इनके माध्यम के द्वारा लोगों को बोलता हूँ कि गंदगी नहीं करें, स्वच्छ जल ही हमारी जीवन है। जल गंदा होता है, जगह गंदा होता है, प्रदूषण बढ़ता है, आसपास के पड़ोस में एक गंदगी जाता है। तो ये सीख लें संत निरंकार बाबा के सदस्यों से कि स्वच्छता अभियान इनके द्वारा पूरा भारत में अभियान चल रहा है, हजारों के संख्या में टोला टोला में रोड पे कचरा में घुराई सारे जितने जगह हैं सब सफाई के अभियान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं कुछ लोगों से बात भी किया था, उन्होंने कहा कि जो एक नगर सेवक एक प्रतिनिधि को काम करना चाहिए था वो आप एक समाज सेवा होकर काम करते हैं और आपका ये अभियान काफ़ी सफल रहा, आज यहाँ पे सफाई होकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये यहाँ के स्थानीय नगर सेवक ये सफाई करते तो आज इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप 3 तड़क मार कच्चा गीला सूखा गीला कचरा और सूखा कचरा निकला हुआ है, ये समझिए कि 5 साल का ये कचरा है, 5 साल के गंदगी कितनी है। गणपति यहाँ पर विसर्जन होते हैं, अनेक प्रकार के तालाब में प्रोग्राम होता है, पर कहीं ना कहीं ये चूक है। बीएमसी को भी मैं ये चूक कह सकता हूँ कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तालाबों पे। एक तालाब ही नहीं, मीरा रोड के अनेक तालाबों को इसी दशा है। और इन लोग के सफाई अभियान मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संत निरंकार बाबा सत्संग का कि जो अभियान स्वच्छता अभियान चलाए हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस काम को आप हाथ लगाते हो काम पूरा करके रखते हैं, इस प्रकार से ये है, ऐसे कई सारे काम है, अब आपका किस पे ध्यान है? नहीं नहीं, स्वच्छता तो है, हम इनको सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल के द्वारा दिया हूँ और लोगों का अभी जो है इन बोले गए सदस्यों को कि दूसरा तालाब भी इसी तरह से गंदगी है, तो नेक्स्ट वीक में इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां भी इसी तरह से जोड़ तोड़ से सफाई का अभियान हम लोग करेंगे। देने के लिए यहां पर जो पानी जिसको जल बोलते हैं, जल और हवा, ये इसका शुद्ध होना बड़ा ज़रूरी होता है। वो पशु पक्षी जानवर या कोई ऐसा जलचर प्राणी वो तो गंदा तो करता नहीं है ना, और जो उनके लिए भी जो प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उनके लिए भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और साथ साथ में मनुष्य है उनके लिए भी हानिकारक है। तो जब ये हानिकारक ही है तो गंदा कौन करता है? गंदा तो ये मनुष्य ही करता है ना, तो वो हर किसी का कर्तव्य बनता है कि हमें जल स्वच्छ करना और वायु भी स्वच्छ करना, पर्यावरण ठीक रखना, इससे हरियाली रहती है, मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा इसका असर पड़ता है। इसका तब होगा जब स्वच्छ जल होगा। ये सतगुरु माता जी की अपार कृपा है, रहमत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई होता नहीं है, और जब गुरु जिस पर कृपा कर देता है तो ये सारे कार्य जो है वो सरल और सिंपल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से लोग इसको कर लेते हैं। और देखिए, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, सभी पढ़े लिखे लोग भी इस स्वच्छता अभियान में, जैसे कि ये उनका पर्सनल वर्क है, अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, इस तरह से उन्होंने सुंदर ढंग से बड़े उत्साह के साथ में ये साफ़ सफाई की है। और मुझे लगता है ये इससे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हमेशा हम स्वच्छ रखने का प्रयास करें, और यही हमारा जो प्रयास है वो सारे देश को स्वच्छ बना।
75 वर्ष पे संत निरंकारी मिशन द्वारा मीरा भाईंदर सेतकरी तुलसी तालाब में आज उनके सेवादारों द्वारा हजारों की तादाद में कम से कम 4 ट्रक सूखा और 4 ट्रक गीला कचरा निकाला गया। मैं उसके लिए निरंकारी मिशन के अगुआ स्वर्गीय बाबा हरदेव सिंह को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में संत निरंकारी मिशन द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज मीरा भाईंदर में कई जगह पे है, उसमें हमारे स्थानिक भाई नवीन सिंह भी सेवादारों में शामिल हुए और यथाशक्ति जो हो सका उन्होंने सेवादारों के यही संदेश हमारे सद्गुरु माता जी दे रहे हैं, जो कि उन्होंने जो आदेश दिया है उसका पालन हम सभी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिर्फ सेवा दल ही नहीं, उनके साथ साथ पूरी साध संगत जो है वो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ये केवल और केवल ये चमत्कार सद्गुरु की वजह से ही हो रहा, ना कि एक शहर में, ना कि एक राज्य में, बल्कि पूरे भारत में ये जो प्रोजेक्ट है स्वच्छता अभियान का ये चला जा रहा है। ये प्रोजेक्ट का नाम अमृत है, जो पानी से रिलेटेड है, स्वच्छ मन स्वच्छ जल, यही इसका स्लोगन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी जो आधुनिकता आई है उसी से रिलेटेड लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो पीना पसंद करते हैं, पर हम यही नहीं समझ पा रहे कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये तो क्षण के साथी है, पर जो पानी है वो हमारा जीवन साथी है। तो हमें यह समझ में इनसे हम लगाव करें कि जो जीवन साथी जो हमारा पानी है इसकी तरफ ध्यान होता है। हम लोग धैसर में रहते हैं और हमारे मिशन की तरफ से हमें यहाँ पर आज जो हमारा संदरंकारी मिशन का प्रोजेक्ट अमृत लॉन्च हुआ है उसके हम लोग वाटर बॉडीज जो है और उसके आसपास का जो सारा बैकग्राउंड है उसे साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर पानी स्वच्छ होगा तो ही हमारा जो जीवन है वो स्वच्छ होगा। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का जो स्लोगन है स्वच्छ जल स्वच्छ। हम यहाँ पे सभी संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स हैं। जैसे कि कहा गया है कि गुरु का सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। तो ये जो हमारा आज अमृत प्रोजेक्ट जो यहाँ पे स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, जैसे कि हम सब जानते कि पानी स्वच्छ कितना जीवन के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार आज की दुनिया में स्वच्छ मन की भी ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे जो भी हमें गुरु के आदेश आ रहे ब्लड डोनेशन या स्वच्छ जल, उसके माध्यम से हम अपने स्वयं के मन को भी निर्मल करके गुरु को समर्पित होकर मानवता की सेवा करने का प्रयास में रहता हूँ। और हम आज ये तुलसी तालाब का साफ सफाई करने आए थे हमारी निरंकारी मिशन के थ्रू से। बाबा जी का माता जी का आदेश है जहाँ भी हम रहें स्वच्छ रखें, अच्छा रखें, और इन सबसे आजे बाजू के लोगों को भी सीख मिलना चाहिए कि हमको अपने जगह को अंदर जिस तरह से साफ सफाई रखनी है। यार भी देखा कि संत निरंकारी बाबा के सत्संग के लोग यहाँ पे, इनका एक प्रोजेक्ट है अमृत प्रोजेक्ट, जिसके तहत ये हर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे तालाब है, जिस तालाब में ज़्यादा गंदगी है उसके आसपास परिसर में गंदगी है उसे ये साफ करेंगे। ये मिशन मीरा रोड दहिसर ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में ये मिशन पे निकल चुके हैं इनके सभी संत निरंकारी के लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जब ये कहीं जाते हैं तो इनके साथ में स्थानीय लोग भी जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार आज मीरा रोड में, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जब ये यहाँ पे साफ सफाई करने आए तो यहाँ के स्थानीय समाज सेवक नवीन सिंह ने भी इनके साथ में हाथ बटाया, और जब तक ये साफ सफाई कर रहे थे तब तक उन्होंने भी फरसे से कचरे निकाले और अपने हाथों से उन्होंने कचरे को बाहर फेंका। तो इनका एक संदेश है लोगों के प्रति कि जिस प्रकार से आप लोग अपने घर में साफ सफाई से रहते हो, इसी प्रकार अपने आसपास में भी साफ सफाई से रहिए, कहीं भी आप गंदगी ना करिए। मोहन इंडिया के लिए अवधेश राखी।